मंथन में हम हर एपिसोड में किसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पिछली बार महंगाई की राजनीति पर हमने चर्चा की थी और इस बार हमने एजुकेशन को रखा है। भारत में शिक्षा के स्तर पर हम बातचीत करेंगे। प्रकाश पुंज पांडे हमारे साथ में हमारे सहयोगी मौजूद है स्वराज मिशन से, और कोशिश ये रहती है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर चर्चा करें जिसमें कुछ समग्र रूप से हम बातचीत कर पाए। प्रकाश जी, इस बार जो हमने ये इशू चूज किया, इसको लेकर किस तरह की आपके मन में? जी बिल्कुल गांधी जी, ये जो विषय है ये कहीं ना कहीं अब ये इस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा बेसमेंट होता है जिसके ऊपर डेवलपमेंट की जो बिल्डिंग है वो खड़ी रहती है। जितने भी विकसित देश है आप देखेंगे, जितने भी डेवलप कंट्रीज है, वहाँ एजुकेशन लेवल शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर है। तो ये इसको हम ये माने कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक शिक्षित देश में ही एक शिक्षित देश ही विकसित देश बनेगा। तो आज जो इसीलिए हमने जो पैनल का जो चुनाव किया है वो भी बड़े ही गंभीरता से सोच समझ के चुनाव किया, क्योंकि ऐसे इनके जो जो ये अनुभव है, जो आज ये जितने भी पैनलिस्ट हैं इनके जो अनुभव है वो आज हमारे सामने आएंगे और इस पर हम उम्मीद करेंगे कि एक व्यापक चर्चा होगी। हमारे साथ में जो पैनलिस्ट मौजूद है उनका मैं परिचय करा दूं। जसवंत क्लाउडियस जी हैं, करियर काउंसलर हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है, भारत सरकार के सलाहकार हैं। अशोक तोमर जी सामाजिक विश्लेषक हमारे साथ में मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी के जी के पास ही चलना चाहूँगा। डॉक्टर जवाहर, अगर समझा जाए शिक्षा को तो हम सबसे पहले हिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं, क्योंकि भारत की तरफ जो विदेशी यात्री थे वो आकर्षित इसलिए हुए व्यापार के लिए और शिक्षा के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासन से शिक्षा के क्षेत्र में यात्रियों का, विदेशी यात्रियों का आना शुरू हुआ और भारत की शिक्षा काफी समृद्ध थी। ऐसा क्या हुआ कि आज हम इस शिक्षा के विषय पर और इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? ये बात सही है कि हम मौर्य या उस तरह के समय में या जो विश्वविद्यालय है हमारे या शालाएं या गुरुकुल सिस्टम है उसके बारे में बहुत चर्चा रही है, चाहे वो ब्रिटिश काल में हो चाहे उसके पहले भी हो। लेकिन वो हमने इसलिए खोया क्योंकि 1650 के आसपास जो प्रिंटिंग प्रेस आया उसमें हमने किताबें बनाना शुरू की, यानी एरिस्टोटल या कोई ऐसे बड़े लोग जो चाणक्य हैं उनकी खुद की वाणी होती थी जो पहले बोलते थे, तो उनकी वाणी सुनने के लिए उनके पास जाना पड़ता था, जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। लेकिन जब किताबें छपनी शुरू हुई तो उनकी वाणी दूर दूर तक पहुँचने लग गई। हाँ, वहाँ पर प्रथम दृष्टया चाणक्य के सामने लोग जो बैठे थे वो ख़त्म हो गया। हाँ, उसके बाद आया टीवी 1950 के आसपास और अब डिजिटल युग है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा अभी भी प्रिंटिंग प्रेस के ज़माने में रह गई, हम आगे बढ़े नहीं, वहीं रुक गए। इसलिए हम किताबों से पढ़ रहे हैं, जबकि हो सकता है कि जो बच्चों को ज़रूरत है आगे चलने के लिए वो डिजिटल भी हो सकता है या जो भी हो सकता है। तो शिक्षा का स्तर जिधर था उधर रह गया, दुनिया आगे बढ़ गई, हम पीछे रह गए, इस तरह की जो आभास है ये हमको समाज से निकल के आ रहा है। जी जी। और जसवंत जी, चूंकि आप लंबे समय से स्पोर्ट्स पे काफी कुछ आपने काम किया है और कहा ये भी जाता है कि शिक्षा में जब खेल का समावेश हो तो बहुत बेहतर इसके रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि इन दिनों आप देखिए कि विजुअल एजुकेशन में बहुत काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत में जो शिक्षा को लेकर कदम सरकारों को बढ़ाया जाना चाहिए था, उस ओर क्या कमी रह गई? देखिए, भारत में मैं समझता हूँ जब 75 साल पहले स्वतंत्रता मिली उस समय मुझे लगता है कि जो बहुत आवश्यक चीज़ें थी वो शांति व्यवस्था थी और लोगों को बसाना था और उसके अलावा खाद्य लोगों को उपलब्ध कराना था, इन बातों पर सरकार ध्यान देते रही। लेकिन शिक्षा पर भी उन्होंने शुरुआत की और मुझे लगता है कि हम शायद समय के साथ नहीं चले और हमने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा। और आपने जहाँ तक कही खेल की बात, तो मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगा कि खेल और शिक्षा दोनों काफ़ी जुड़े हुए हैं। और अगर करियर के हिसाब से अगर आप देखें तो शिक्षा खेल, शिक्षा में खेल को अगर लाया जाए तो खेल में भी बहुत से करियर हैं, बहुत से चांसेस हैं कि आप उसमें बढ़ सकते हैं, उसमें भी नौकरी मिल सकती, जीवन यापन की सुविधा मिल सकती। तो हमारे देश में ये जरूर है कि परिवर्तन थोड़ा धीरे हुआ क्योंकि दूसरी समस्याएं थी, लेकिन अभी जो हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और वेब
साइट्स हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं अधिक हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत के जो भारत में ही जो पैदा हुए उन्हें भले महत्व तो नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत के ही लोग आज बड़ी बड़ी जगहों पर हैं और इस विश्व में नेतृत्व कर रहे हैं। जी, स्पोर्ट्स स्पिरिट काफी अहम माना जाता है, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट अगर हो तो शिक्षा में भी बहुत बेहतर किया जा सकता है। नहीं बिल्कुल, आप हर चीज को स्पोर्ट्स स्पिरिट से अगर हम ले तो खेल के साथ अगर शिक्षा को हम जोड़ें तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन एक जो प्रतियोगिता की भावना आती है, एक जो आगे बढ़ने की भावना आती है खेल के जरिए, एक जो समय की पाबंदी आती है, एक जो अनुशासन आता है, ये सारी चीजों का महत्व शिक्षा में है और इसके द्वारा हम जो है एक जो विद्यार्थी है वो आगे बढ़ सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। मैं उसमें आगे आऊंगा आपके पास में, मैं तोमर जी के पास चलना चाहूंगा। अशोक तोमर जी, चूंकि डॉक्टर सूरी ने जो शुरुआत की वाचिक, क्योंकि भारत का जो शिक्षा व्यवस्था रही वो वाचिक रही और प्रिंटिंग के बाद में उसमें बदलाव आया, लेकिन आपको लगता नहीं कि वाचिक परंपरा में भारत में बहुत कुछ था पाने के लिए, शायद हमने खो दिया वो चीज? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमने खो दिया, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से जनसंख्या, पहले मैं क्लॉडियस जी का जवाब, जी जी जी, क्लॉडियस जी को मैं ये बता देना चाहता हूँ, आज के समय में खेल में जितनी राजनीति है शायद राजनीति में भी उतना खेल नहीं है जी। हाँ, तो वो मतलब कि ये उसको भी बर्बाद करके रहेंगे, इसी एक आदमी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वह सही प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। वो मेरा ये नहीं है, मैं ऐसे उसे टच कर दिया। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से अगर आप चले तो वाचिक परंपरा अब शायद संभव नहीं हो पाता। एक दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं, आज जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है इसमें बड़ा विचित्र हमने देखा है, और मैं अपने साथ के भी लड़कों जो रट के तो IIT तक निकाल लिए हैं, IAS तक निकाल लिए हैं, बाद में उस सब्जेक्ट पे उनकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हमने पाया है ये रट के। तो इसके लिए उसको कहा जाता है सोक्रेटिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो हमारे गुरुकुल से बहुत कुछ मिलता है। सोक्रेटिस सिस्टम में क्या होता था कि 15 बच्चों को उन्होंने ले लिया, एक विषय दिया, कहा कि तुम बोलो किसी एक लड़के से, उसने कहा, गुरुजी ने सारा चीज उसको अकाट्य तर्क दिया है और फिर उसको समझाया कि तुम यहाँ यहाँ लाए। दूसरा तरीका होता था 15 को एक ही सब्जेक्ट दे दीजिए और कहिए कि तुम बोलो और तब सब में हम रटने में क्या है मैं गया। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को आपको कॉम्पिटिशन में पास करा दे रहा है, लेकिन स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ही हो रहा है, चौपट हो जा रहा है। आप बताइए, आप ऐसे चलिए छत्तीसगढ़ में, धमतरी हो या राजिम हो या कहीं से, 80 के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बिना कोचिंग के या 70 के पहले कोचिंग से बिना कोचिंग के जो लड़के आए थे, आज कितने लड़के आ रहे हैं वो दोनों मिला लीजिए आपको पता चल जाएगा। सब शहर आ जा रहे हैं, सब कोचिंग ले रहे हैं, तो मतलब कि और उसका नेट रिजल्ट क्या हो रहा है, कोचिंग का रेट ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के बराबर होते जा रहा है। कोटा में आप जाइए, कई लड़के सुसाइड, प्रेशराइज। दूसरी चीज में एक छोटी सी चीज है, आज हम एजुकेशन पड़ोसी को देख के दे रहे हैं, अगर पड़ोसी का लड़का IIT में चला गया तो उनके घर के लड़के का तो जीवन बर्बाद हो गया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम उसकी तैयारी करो। एजुकेशन क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा वेपन है, अगर प्रॉपर एजुकेशन आपको मिल रहा है तो क्रिएटिविटी रहेगा, उसे सोशल वर्क बढ़ेगा, वैल्यूज रहेंगे आपके, हैं आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग। कहा जाता है, कोठारी कमीशन ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि क्लासरूम इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, स्कूल क्लासरूम दे डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, भविष्य निर्माण वही होता है और आज तो वही है। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में तीन तरह के स्कूल होते हैं, एक यहाँ स्कूल बिल्डिंग है स्टाफ नहीं है, दूसरा जहाँ स्कूल बिल्डिंग स्टाफ है बच्चे नहीं है, दूसरे जगह बिल्डिंग नहीं है बच्चे हैं टीचर नहीं है, तीसरे जगह ना बिल्डिंग है कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, टीचर भी है स्टूडेंट भी है और वहां से जरा कुछ पढ़ रहे हैं। तो आप
अगर अच्छा वो उस स्थिति से निकल के बच्चा कभी भी अच्छे जगह पे आएगा तो वो वही चीज को रिपीट करेगा। आज बड़े पोस्ट में लोग बैठे हुए हैं, एजुकेशन का आपका कितना कंट्रीब्यूशन है बताइए ना, कितना बजट का क्या परसेंटेज दे रहे हैं? 6% भी नहीं दे रहे हैं एजुकेशन पे, तमाम स्कॉलरशिप आप खत्म कर दे रहे हैं, तरह तरह का ये कर रहे हैं आप। छोटी सी बात छोड़ी, कभी बीए 2 साल का होता है फिर 3 साल का हो जाता है, आप 3 साल में जो पास किया है और जो 2 साल में पास किया है दोनों से बहस कीजिए, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज उन्होंने नहीं गेन किया। तो कोई भी आता है एजुकेशन को लेबोरेटरी समझ के वहां अपना कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने का, एक्सपेरिमेंट, इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। मैं आऊंगा उस पर, लेकिन मैं जसवंत जी से, क्योंकि मैं इतिहास से मैंने शुरुआत की थी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पे बहुत चर्चा होती है और लॉर्ड मैकाले के बारे में ये भी एक पहलू तो ये कहा जाता है कि बहुत बेहतर उन्होंने किया, एक ये बात कहा गया कि उनको उनको ये जिम्मेदारी दी कि भारत पर कैसे लंबे समय तक शासन करना है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की सोच और संस्कृति में आपको पैठ बनानी पड़ेगी, उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप 2 दर्जे के हैं, और शायद उन्होंने यही चीज आकर रानी को भी समझाई थी। क्या आप लॉर्ड मैकाले की भूमिका को किस तरह से देखते हैं भारतीय शिक्षा में? देखिए उनके समय में उन्होंने जो किया जी, और ब्रिटिश राज के जो जो रेफरेंडम था उस हिसाब से उन्होंने काम किया, उन्होंने अपना काम ठीक किया जी। लेकिन आज़ादी के बाद अगर उसी मानसिकता को हमारे राजनेता और हम लोग अगर आगे ले जाते हैं तो वो कहाँ तक सार्थक है, क्योंकि यानी विचारों में आज़ादी नहीं आएगी तो हम एक्चुअली आज़ाद नहीं हुए और ये प्रॉब्लम हो गया। लेकिन मैकॉले के जो चीज़ें हैं वो अब जाके यानी 75 साल अगर पूरे हो गए, इससे 4-5 साल निकाल दीजिए 2020 के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सोच विकसित करना ही इस नीति का केंद्र बिंदु, और पहली बार 75 साल में एक ऐसी नीति बनी है जिसमें बच्चा केंद्र में है, ना टीचर केंद्र में है ना शासन केंद्र में है, ये सबसे अच्छी बात है। और वहाँ से शुरू होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि खेल होना चाहिए, आपने कहा खेल भावना होनी चाहिए, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ कही गई, अगर बच्चों को शिक्षा रुचिकर नहीं लगती तो उसमें खेल का कैसे समावेश किया, एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है तो हम बोर्ड पे लिखते हैं s = ut + 1/2 at² s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह से टीचर समझाता है। मैं बोलता हूँ क्रिकेट ग्राउंड पे ले जाओ 2 टाइमर ले जाओ 50 रुपए के, शासकीय स्कूल में भी चल जाएगा ये, तो आप बॉल फेंकोगे उस वक्त टाइमर ऑन, जहाँ बॉल गिरेगा टाइमर ऑफ, हमको पता है कि 22 गज की दूरी है, हाँ 0 इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, टाइमर आपको टाइम बता देगा। ये एक आसान तरीका है सोच विकसित करने का बच्चे को ग्राउंड में ले जाके क्लासरूम के बाहर। इन चीज़ों का उल्लेख इस बार पहली बार किया गया, लेकिन हमारे पास टीचरों में या हमारी पीढ़ी में वो सोचने की शक्ति ही चली गई, इसलिए मैकॉले चल रहे हैं। मैकॉले तो मर गए लेकिन छोड़ गए हमारे अंदर, और रानी को जो उन्होंने समझाया वही समझ अभी भी विकसित है, वही प्रफुल्लित और उसी तरीके चीजें आगे बढ़ती जा रही है। जसवंत जी, चूंकि हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात की, एक अभी तस्वीर काफी चर्चाओं में थी सोशल मीडिया पे, फुटबॉल टीम जो जापान खेली और उसके बाद में जो उनके रूम में जो व्यवस्था थी कि मतलब खेल के भी गए तो पूरा व्यवस्थित था, मतलब मैं मोरल एजुकेशन पे भी आना चाहूंगा, बहुत मायने रखता है मोरल एजुकेशन कि आपका रहन सहन आपका सोच किस तरह से है। ये तो बहुत मायने रखता है, और जापान की टीम के अलावा भी वहाँ पर कतर में जो व्यवस्था थी, हमने जो देखा मैच के बाद भी जो साफ सफाई की व्यवस्था थी तो वो बहुत ही अच्छी थी, और खुद होकर खिलाड़ी आ रहे थे या जो भी दर्शक थे वो लोग आ रहे थे और कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एजुकेशन है, ये जो शिक्षा है, आपको घर से ही दी जाती है और घर से ही मिलना चाहिए, ताकि लोग इन बातों को ध्यान रखें। और साफ सफाई की बात है वो तो जीवन में आपके अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी से तरह तरह की परेशानियां पैदा होती है। तो जापान के खिलाड़ियों ने जो प्रस्तुत किया है वो तो काबिले तारीफ है, और उसका सबको अनुसरण करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इन बातों को जो हमारा एजुकेशन है अपना खेल के एजुकेशन में, उनमें इसको शामिल करना चाहिए, इन बातों को सिखलाना चाहिए कि आपको कैसे रहना है कैसे जाना है, न सिर्फ मैदान में बल्कि ये जो बातें हम कर रहे हैं मैदान के बाहर की बात कर रहे हैं। तो आपके अनुशासन की अगर बात है, आप मैदान में कर रहे हो, आप वहां पर समय
की पाबंदी की बात कर रहे हो, लेकिन आप अपने घर में अपने कमरे में आप क्या कर रहे हो, तो खुद की गवाही, अगर आपकी खुद की गवाही बेहतरीन होगी, लोगों को बतलाया जा सकेगा कि देखिए एक खिलाड़ी कैसा होता है, किस ढंग से अनुशासित तो होता है, मैं समझ करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। और देखिए जापान में नीति का जो निदान, इसमें सरकार की काफी अहम भूमिका होती है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वही बच्चों के लालन पालन पोषण का अलग तरीका, अमेरिका में अलग तरीका, भारत में अलग तरीका, तो मुझे लगता है ये काफी मायने रखता है नीति निर्धारण। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूँ जी, जापान के जितने भी दर्शक गए हुए थे जी, स्टेडियम में जितनी गंदगी और छोड़ के लोग आए थे, कोका कोला का बोतल वगैरह सब लपेट के वहां जमा करके आए, माने सफाई करके आए, ये एक मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने महसूस किया वहां। मतलब ये एजुकेशन से है ना? हाँ, एजुकेशन, एजुकेशन। हाँ, 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 हाँ। मोरल, पहले हम लोग पढ़ते थे भाई मोरल साइंस, अब तो मोरल साइंस का मतलब क्या है, वो एडमिशन ही इमोरल तरीके से हो रहा है, तो मोरल साइंस पढ़ के क्या होगा। बहुत अहम चीज पर आपने हिट किया है। हाँ, तो मैंने 10 लोग चिल्ला के किसी हॉल में कहे शांत रहिए शांत रहिए, उसी तरह का ये लग रहा है। शिक्षा माफी आपको टारगेट कर लेंगे। अरे तो मेरे पास क्या है जी, हमने ऐसे ही में बोला। नहीं नहीं, कभी कुछ बातचीत होती है तो आपको नहीं लगता एक नेक्सस पूरा? हाँ हाँ, पूरा 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 नेक्सस घेरा हुआ है। आप देखिए ना, यूनिवर्सिटी तक के क्वेश्चन पेपर प्रोफेसर पाठक वाइस चांसलर कानपुर यूनिवर्सिटी जी जी जी, पीछे सीबीआई यूबीआई सब लगा हुआ है। चार चार यूनिवर्सिटी का पेपर अपने यहाँ छपवाते थे, लीक करते थे, करोड़ों रुपया कमाए, मिनिस्टर को दिया, कुछ नहीं हो रहा है उनके। तो अगर ये हमारे आदर्श हैं तो फिर क्या। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे आचार्य नरेंद्र देव, कहीं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की गाड़ी से कहीं गए थे और उन्हें पता चला कि कोई उनका रिश्तेदार 4 किलोमीटर दूरी पे बीमार है या उनके यहाँ कुछ है, वो लोग आके उनको ले गए। विरोध, विपक्ष ने इसका सवाल उठाया कि बीएचयू के वाइस चांसलर गाड़ी क्यों लेके गए। देखिए उनकी नैतिकता आई और उन्होंने रिजाइन कर दिया। आचार्य नरेंद्र देव चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर के गुरु, ये कैरेक्टर था। अच्छा, इंडिजिनियस एजुकेशन का वैल्यू था, लेकिन उस पर दूसरे, जैसे इस्लामिक वर्ल्ड था तो इस्लामिक वर्ल्ड में अरबिक पहले पढ़ाई किया जाता है, अरबी, क्योंकि जैसे अलजबरा है तो ये अरब से आया है, अलजबरा, अल हिंदी जो बोलते हैं ना। लेकिन मुगल समय पर था और 10th century के आसपास, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पर्शिया ने टेक ओवर कर लिया, पॉलिश लैंग्वेज था और कोर्ट में आके, और वही पर्शियन लैंग्वेज इंडिया में भी आ गया, क्या कहते हैं हमारे कोर्ट में मुगल लेते आए और वही भाषा ये करते रहे, और उन्होंने ही गुरुकुल को फाइनेंस भी किया, फाइनेंस क्या मतलब हेल्प किया। अब गुडविल बनाने के लिए क्या, अंग्रेज भी शुरुआत में कुछ हेल्प किया, संस्कृत कॉलेज उन्हीं, बनारस संस्कृत कॉलेज उन्हीं का बनवाया हुआ है अंग्रेजों का, ये हमने महसूस किया। तो जब मैकेले साहब आए तो एक बहुत बड़ी मतलब कि अफवाह आजकल उठा रहे हैं कि मैकेले ने लिखा कि जब तक इस देश में गुरुकुल रहेगा ये, और उनका लेटर लिखा के कई लोग छपवा के व्हाट्सएप में भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वो तो सबसे डेंजरस है। हाँ। नहीं नहीं, जिस समय में ये था, मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट का यहाँ लिख के कहा कि ये कभी मैकेले ने लिखा है, उन्होंने जवाब दिया नहीं, मैकेले ने ऐसे नहीं लिखा, लेकिन लॉर्ड मैकेले इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फेवरेबल मतलब की तारीफ की है उन्होंने इसको उस समय, उस समय मतलब वो अपना जो शिक्षा नीति लेके आए तो उसको पहले उन्होंने तारीफ की है, तो ये समझना काफी मायने रखता है, माने रखता है, कहा कि यहाँ एजुकेशन बहुत फैला हुआ है, गुरु शिष्य गुरुकुल परंपरा रही ना भारत में, और अब आजकल गुरुकुल और गुरु शिष्य परंपरा देख लीजिए, जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आए तो उन्होंने ब्राउन साहब पैदा करना शुरू किया जी, ऐसा अंग्रेज कि टू सर्व माय पर्पस, मेरे विचारों को जनता तक फैलाए, आपको फिर जरा सा दूसरे ले जा रहा जी जी। अब हरी सिंह दिनकर का एक बार बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, उन्होंने सन 42 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 39 में डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे बिहार में, उन्होंने एक कविता लिखी थी, जिंदगी है मौज में भर्ती हो जा फौज में, जब गिरेगा बम का गोला छिप जाना हौज में। इसके लिए गोविंद पल्लव पंत ने उनका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनने का था, शायद उसी कारण नहीं बन पाए जी। एक कविता के चलते, एजुकेशन सिस्टम का मैं बात कर रहा हूँ।
तो मैं कहा था, खुद ही निकल गया विषय से। नहीं, मकाले हाँ, ब्राउन साहब क्रिएट किया। ब्राउन साहब ने कुछ अच्छा तो ये किया, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम ले आए, वो इंडियन लीगल सिस्टम, इंडियन मेडिसिन सिस्टम का उन्होंने ये किया, मैंने मेडिकल कॉलेज खोला, जिससे काफी मैंने ये था, हमारे यहाँ सुश्रिता और सर्जरी हर जगह नहीं होती थी, तो सर्जरी मतलब कि उन्होंने ज्यादा तौर पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, कई जगह ये खोला। बल्कि लंदन का मेडिकल सिस्टम, अगर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के बच्चों को, लड़कों को निकाल दिया जाए डॉक्टरों का, तो कोलैप्स कर जाएगा। इतने ज्यादा डॉक्टर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना के डॉक्टर लंदन में है। जी जी जी। तो ये था सबसे बड़ी चीज है कि जितने महाजन और एलीट वर्ग हमारे समय थे, उन्होंने इस सिचुएशन को ग्रैब किया। जी। नया सिस्टम आया, वो डीपीएस खुला हो, चाहे राजकुमार कॉलेज खुला हो, चाहे ये अपने बच्चों को वहां भेजना शुरू किया। इन्होंने कभी ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा पे खास वर्ग का आधिपत्य रहा, आधिपत्य रहा, जो प्रकाश जी उन्होंने अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब प्रकाश जी, कुछ आपके जेहन में भी हो जो अभी बातचीत में लगता, मुझे लगता है वो आपको रखना भी चाहिए। कुछ हद तक नहीं, जितने भी वरिष्ठों ने जो अपने अनुभव बताया और जो ज्ञान जो सामने आया, उससे मुझे ये समझ में आया कि सबसे बड़ी बात तो ज्ञान का संचार इस समाज में कम हो रहा है। ज्ञान और शिक्षा, मुझे लगता है डॉक्टर साहब, दोनों में बहुत अंतर है, और उस अंतर को शायद हमारी शिक्षा प्रणाली समझा नहीं पा रही है। और मुझे जहां तक लगता है, डॉक्टर साहब इसको वेरीफाई करेंगे, कि जो आक्रांता आए, उन्होंने अपना सिस्टम इतनी बुरी तरह से हमारे ऊपर थोप दिया कि हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम था, जैसे तोमर जी कह रहे थे कि सर्जरी और ये पद्धति हमारे यहाँ नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। हमारे पास में सिरपुर है, आप जाके देखिए वहां की हिस्ट्री, आपको थोड़ा सा ज्ञान है, आप जाके एक्सप्लोर करिए। इतना ज्यादा डेवलपमेंट, वो एक स्क्वायर था। मैं एक अलग परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ तोमर जी, सिरपुर का जो मैंने, देखिए हम थोड़ा विषयांतर हो जाएंगे, मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ गांधी जी, मैं एजुकेशन पे आ रहा हूँ। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी ज्यादा डेवलप थी उस समय, हम नगर को कैसे बसा सकते हैं, कैसे बता सक सकते हैं, हम सीवेज ड्रेनेज आज भी हमारे यहाँ समस्या है, उस जमाने में भी वो उस पर कंट्रोल रखते थे। तो मैं डॉक्टर साहब से ये एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या जो मुगल शासन और जो ब्रिटिश शासन जो हमारे ऊपर हावी हुआ, क्या हमने अपना मूल सिद्धांत ही भारत में भूल गए? क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली तो विश्व वैश्विक पटल पे उसका प्रचार होता था, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भारत में ही हैं, बड़े बड़े जितने भी महानुभाव हुए हैं, जितने भी ज्योतिष हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी, हमने सूर्य की दूरी कब नाप ली थी? तो क्या वो सिस्टम हमने कहीं खो दिया, या उस सिस्टम को आजादी के बाद कभी डेवलप ही नहीं किया गया? डॉक्टर साहब, एक सेकंड लूंगा। में बड़ा विचित्र सिस्टम था, वहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की पढ़ाई होती थी। दूसरी बात, वहां कास्ट नहीं था, कास्टलेस सोसाइटी था गुरुकुल का। ये मनु के बाद आया कास्ट, डॉक्टर जवाहर, आप ये बताएं कि क्या हम, क्या भारतवर्ष ने अपना मूल भूल गया? जैसे तोमर साहब भी कह रहे थे कि क्या राजनीति हमारे एजुकेशन पे हावी हो गई? देखिए, इसमें ना हम लोग आज की तारीख में बैठ के हमेशा सारा दोषारोपण जो है वो इतिहास पे कर देते हैं। वो बहुत आसान तरीका है भागने का। कौन रोकता था हमें मुगल के जाने के बाद या ब्रिटिश के जाने के बाद परिवर्तन वापस ले आने का? कोई नहीं रोकता। हाँ, प्रॉब्लम है, जैसे इन्होंने शुरू की कि जो नैतिक शिक्षा है, वहाँ से शुरुआत हुआ पतन का। नैतिक शिक्षा बहुत अहम अंग था पहले हमारी शिक्षा का, वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि हमारे दिन में मान लीजिए तीन पहर, चार नहीं तीन, हाँ मेरे हिसाब से तीन, इसलिए क्योंकि आठ आठ घंटे के अगर मैं तीन लेता हूँ तो एक आठ घंटे स्कूल, दूसरे आठ घंटे घर, और तीसरे आठ घंटे बच्चे के खुद की नींद। हाँ, ये तीन सबसे, यानी मनोवैज्ञानिक के तौर पे मैं ये बता सकता हूँ, ये तीन पहर है। अगर ये तीनों पहर में हम बराबर परवरिश पे ध्यान दें, हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। ये तीनों में आप परिवर्तन देखेंगे। बच्चों के पास मोबाइल आया, ये आया, सो आया, माँ बाप के पास मोबाइल आया, टीचर के पास मोबाइल आया,
झूठ बोलना शुरू, बोल दे कि मैं यहाँ नहीं हूँ, हाँ वही रहेंगे, तो बच्चे में कहाँ से नैतिकता आएगी? पहली बात ये माँ बाप के केस में, बच्चे के पास मोबाइल आया या डिजिटल डिवाइस आया, रात को सोना लेट हो गया, सवेरे स्कूल जाने का टाइम वही, एकाग्रता भंग होती है अगर आपकी आपका दिमाग रूपी मोटर जो है वो रेस्ट नहीं लेता है रात को, तो आप सवेरे क्लास में या तो सो रहे हो या एकाग्रता नहीं है, तो वहां से शुरू होता है कि आप सो रहे हो, झूठ बोल रहे हो क्योंकि होमवर्क आपने किया नहीं, और झूठ बोलना सिखाया किसने? आपके माँ बाप घर से, बिल्कुल। और तीसरा जो 8 घंटे हैं जिसमें आप स्कूल में हो, वो स्कूल में चूंकि जैसे इन्होंने कहा एक माफिया है जिसने पूरा कब्जा कर रखा है, उनको एडमिशन से मतलब है, आपकी शिक्षा या उसके स्तर से मतलब नहीं है, हाँ आपकी सोच को डेवलप करना उनका काम नहीं, महंगी किताबें बेचो, महंगे ड्रेस बेचो, हाँ बड़े बड़े फीस लो, अच्छे बिल्डिंगें बनाओ, और माँ बाप उसका साथ देते हैं उस स्कूल में व्यवस्था का, कि वो बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं आपका टीचर कितना पढ़ा लिखा है, रिजल्ट क्या है, ये बोलते हैं स्कूल के बस में एसी है क्या, स्कूल में लिफ्ट है क्या, तीसरा माला मेरा बच्चा चढ़ेगा कैसे, जो चीजें शिक्षा से कोई संबंध ही नहीं रखती आप अपने बच्चे को वो चीजों की आदत करते हो। ये तीनों 8 घंटे में जो आपने ऐसी तैसी कर दी नैतिक शिक्षा की, हाँ वो कोई किताब पूरा नहीं कर सकता, आप लगा लीजिए कोई भी किताब नैतिक तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, बात पहुंचाने की आवश्यकता है, कर सकते हैं, ये इसमें करना मुश्किल नहीं है, मतलब कम से कम मैसेज तो जाए, हाँ जाता है, ये मेरी तरफ से जाता है हर बार, और जो करता है तो करता है, लेकिन सभी लोग इतने मार्केटिंग युग में आ गए हैं कि सब चीज दिखावा, इसमें शिक्षा में दिखावा के अलावा कुछ नहीं रहे, किताब का कवर अच्छा है तो किताब खरीद लो, एनसीईआरटी की किताब मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 100 रुपए की है, 40 रुपए की है, मार्केटिंग की तो ये हालत है, अंदर के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं, और ये हमारी जिंदगी, मतलब कुल मिला के तोमर जी गुणवत्ताहीन एजुकेशन हमारे रग रग में बस गया है। मेरी तो कोशिश है कि पहले 15 मिनट हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंगाल ले, थोड़ा उस पर चर्चा करें, फिर मौजूदा समय की पर चर्चा करें, और फिर हम लोग सॉल्यूशन पे बिल्कुल वो तो करते ही हैं आखिरी में, तो उस पर हम जाए, और क्योंकि इसलिए मैंने थोड़ा सा इतिहास को खंगाला कि मैं काले और उसके पहले वांछिक परंपरा और फिर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में कैसे रही, और तोमर साहब ने उसको काफी विस्तार से रखा, मुझे लगा तोमर साहब आपके मन में कुछ टिस हो एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो आप रखना चाहे, क्योंकि मैं ये चीज भी देख पा रहा हूँ कि पहले जो भर्तियां होती थी टीचर जो आते थे वो समर्पित रहते थे, आज तो बैकडोर से भर्ती हो रही है, उनसे पूछ दिया जाए कि 15 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है, चाहे नेशनल हॉलीडे कितना है, तो उस पर वो आपने कई सारे वीडियो आजकल देख लिए होंगे यूट्यूब पे, हाँ हाँ पोटैटो माने परवल भी बोल ले वो टीचर है, नहीं तो आपने अंग्रेजी बहुत ज्यादा हावी कर दिया गया, अंग्रेजी जिसने बोल लिया वो अच्छा है, ये एक बड़ा पॉइंट है कि भारत में अंग्रेजी बोलने को ही एजुकेशन माना जाता है, कहीं आप नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ आपको इंग्लिश बोलना जरूरी है, आप बच्चों को बचपन से जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बच्चों बेटा इंग्लिश बोल के दिखाओ, तो ये सिस्टम क्या कहाँ, एक चीज मैंने जो अनुभव किया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है ना, लैंग्वेज बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो इंटरनेशनल बेचारा बीएससी में जाके, मैं नॉर्मल इसकी बता रहा, अपना इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ले लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसको बीएससी उसके पहले देखिए तो उसको क्या नहीं पढ़ रहा दुनिया में पढ़ना पड़ता है, सारा चीज ऐसा कोई ऐसा चीज है जो उसे नहीं पढ़ना होता, जरा सा ज्योग्राफी भी पढ़ लो, होम साइंस भी पढ़ लो, है ना, हिंदी है, इंग्लिश लिटरेचर है, ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दूसरी चीज हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट 70 के पहले जितना रिसर्च डेवलपमेंट हुआ उससे अब कम हो रहा है, यही वर्तमान रिसर्च में कोई जाना नहीं चाहता। दूसरी चीज हम जो इनोवेटिव आइडियाज जो हमारे हैं या हम जो डेवलप भी कर रहे हैं वो सारा चीज उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन का कंट्रीब्यूशन है, चाहे डॉक्टर रेड्डी का फार्मास्यूटिकल हो, समझे ना, उसमें कभी अलग से चर्चा, या लार्सन टुब्रो का ब्रिज हो, चाहे ये है, वो विदेशी रिसर्च का ही कुछ असर आ रहा है जी। हमारे यहाँ एक से एक लोग है, क्या ऐसा है कि वो बाहर जाके अच्छा कर रहे हैं यहाँ नहीं कर रहे हैं? तो दो ही कारण हो सकते हैं, आपने उसको ये माहौल नहीं दिया है यहाँ कायदे का। जी जी जी, जसवंत जी के पास चला चाहूंगा, हम स्पोर्ट्स स्पिरिट की भी बात कर रहे थे, एक शब्द बोला जाता था घरों में कि खेलोगे तो बिगड़ोगे, ऐसा था एक सेंटेंस, खेलोगे तो बिगड़ोगे, पढ़ोगे तो ना, खेलोगे कूदोगे तो लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मतलब ये भी एक सेट किया गया बच्चों के दिमाग में, मतलब हर घर में होता था, मेरे दोस्त भी बोलते थे, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं। नहीं, इसकी वजह ये थी कि जो खिलाड़ी बनते थे उन्हें
देखिए कुल मिलाकर एक अभिभावक जब अपने बच्चे को आगे बढ़ाता है तो वो ये चाहता है कि उसके जीवन यापन की सुविधा हो जाए। और ये देखा गया है कि बहुत पहले, मैं समझता हूँ तुम्हारे साहब भी जानते होंगे, सर भी जानते होंगे, बहुत पहले ऐसा होता था, अच्छा कहाँ तक पढ़े हो, यार भी पढ़े हो, चलो यहाँ लग जाओ नौकरी में। लोगों को नौकरी मिलती थी जो पढ़ते थे उनको, और खेलने कूदने वालों के लिए आज के आज फिर भी बहुत सुविधा है कि खेलने वाले जो हैं चाहे तो खिलाड़ी बने, चाहे तो कोच बने, चाहे तो जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो बने, चाहे तो डॉक्टर बने जो मेडिसिन को, जो हाँ स्पोर्ट्स के मेडिसिन को ले, कुछ लोग ऐसे जो खान पान के लिए, खान पान के लिए आजकल नौकरी मिल जाती है, तो डाइटिशियन कहने का मतलब कमेंटेटर्स, तो हाँ कमेंटेटर्स हो गए, इवन पत्रकार हो गए, तो उस जमाने में पढ़ने लिखने के बाद कुछ मिल जाता था, एक जीवन यापन की सुविधा हो जाती थी। धीरे धीरे वो बात नहीं रही, इसलिए लोगों ने कहा कि अगर खेलोगे कूदोगे तो मतलब बनोगे खराब, इसलिए कहा, वो कुछ कर नहीं पाते थे इनको जो है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट से बहुत सारी चीजें विकसित होती है, टीम भावना, एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, मैं बिल्कुल आपको उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि खेल कूद का जीवन में विशेष महत्व है, और ये मुझे लगता है मैसेज देना चाहिए हमको इस प्रोग्राम के जरिए। बिल्कुल, खेल खेलेंगे और अगर आप खेलेंगे तो आप में जो अपने नैतिक शिक्षा की बात करें, अपने आप आपके अंदर बहुत सी चीजें आएंगी, जी शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त रहेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। के बीच में सामंजस्य कैसे बनाना है, टीमवर्क कैसे करना है, जिसके लिए मैनेजमेंट में इतना भारी भरकम किताब पढ़ा दिया जाता है। इवन आप आज जो परिवारें टूट रही, तो आप परिवार को लेकर कैसे चलेंगे, ये अगर आप जो एक खिलाड़ी अगर चाहे तो इन सब चीजों को अपने परिवार में भी लागू कर सकते, जब वो नेतृत्व कर सकता है किसी टीम का तो परिवार में भी लागू कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो खेल के जरिए आप जीवन में स्वस्थ मन रहता है, क्योंकि हेल्दी आप रहेंगे तो हेल्दी सोच भी आपकी रहेगी, जो स्पोर्ट्स स्पिरिट से भी आ सकता है। तोमर साहब कुछ आप ऐड कर रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था जी, जब ये नारा गांव हम लोगों के बचपन में लगता था खेलोगे कूदोगे तो बड़े बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बने नवाब, दुर्भाग्य से क्या हुआ लखनऊ के नवाब, सौभाग्य सौभाग्य से देखिए जिस समय ये मानसिकता थी उस समय इंडिया ने बेस्ट स्पोर्ट्स में दिया, केडी यादव इंडिया का पहला रेसलर जो था, उपवाद भी होता है साहब, हाँ नहीं नहीं वही नहीं उपवाद नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, हंगरी हम हेलसिंकी 1952 ठीक बोल 52 उसमें हम हंगरी से सेमीफाइनल में ओलंपिक सेमीफाइनल में हाफ टाइम तक जीत रहे थे। अच्छा, हमारे हॉकी टीम मैंने गांव का आदिवासी पहला इन 1928 एम्स्टर्डम हॉकी टीम का कैप्टन था, वो झारखंड का आदिवासी था। ठीक है, मैं देखिए उसमें समय कमी है, मैं इस पॉइंट पे कुछ मूवी भी आई थी, मतलब फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज में, जैसे गोल्ड आया था और एक मूवी आई थी चक दे इंडिया आया था, आजादी के बाद जो पहला मैच हम इसमें हॉकी में हमने जीता विश्व कप, जो इंग्लैंड को हारा है उन्हीं की धरती पे, उसमें जो एक आया था, मतलब समझ में आया कि वो इसमें क्या था। आप टाटा स्टील के मैनेजमेंट पेज पे जाइएगा तो लिखा हुआ है, जानते क्या लिखा, स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ, मैनेजमेंट में वही बताया जाता है, रूसी मोदी ने अपने समय में ऐसा किया था, स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ, जीवन के ये होना चाहिए। बाकी देशों पे चर्चा कर लो, क्योंकि कहा यह जाता है कि वैश्विक स्तर पर फिनलैंड और नॉर्वे की एजुकेशन बहुत ही उम्दा है, और दिल्ली गवर्नमेंट थोड़ा सा उस और आगे बढ़ रही है, चर्चा तो हो रही है, थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालेंगे डॉक्टर जवाहर? ये बात सही है कि कई ऐसे डेलीगेशन लेके गए फिनलैंड, कई प्राइवेट स्कूल भी वहाँ जाके आए कि क्या है ये, फिनलैंड की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन चैलेंजेस एकदम ही अलग है। हाँ, फिनलैंड में हो क्या है, चैलेंजेस ये है कि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम लोग अभी भी क्वांटिटी में अटके हुए हैं, कि सभी तक किस तरह से शिक्षा का प्रसार हो, क्वालिटी तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाए, आखिरी आदमी तक पहुँचते पहुँचते 75 साल निकल गए हमारे। अमृत महोत्सव मना रहे लेकिन हम, हाँ अमृत क्या होता है, अमृत है जीवन दान मिल जाता है, ये अमृत है। और फिनलैंड हम यूजुअली क्या है, जैसे मनमोहन सिंह जी यूएस के प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे, ओबामा थे उस टाइम, उन्होंने बोला हमको कोई ऐसा शिक्षक दीजिए जो हमको सिखा सके कि कैसे आप लोग पढ़ाते हो, कैसे आप इतने आगे बढ़ गए। ओबामा हंसे उस वक्त, और
वो बोले कि हमारे पास जो ये चीजें कर रहा है, चार्टर स्कूल्स का एक प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त, वो एक इंडियन है और वो इंडियन मैं था, तो मुझे मनमोहन सिंह के सामने उन्होंने खड़ा कर दिया कि सर आप इनको अपना देश छोड़ के आप यहाँ क्या सिखा रहे हो आप। मैं बोला मेरी जो शिक्षा की एक्सपर्टीज है वो इंडिया इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया। आपने माना, आपने उसका फायदा उठाया, अब चूंकि मैं आपके पास कुछ रिजल्ट दिखा रहा हूँ तो आप मुझे वापस ले जाने आया, मैं चलने तैयार, मैं इंडिया के लिए ही बनाऊ। हाँ, तो मुझे मनमोहन सिंह ने जब ओबामा से बात की, उनसे चर्चा हुई, तब मुझे इंडिया लाया गया और तो लगा कि कोई आदमी है। और एक चर्चा और भी हुई थी कि एक भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे और ताजमहल और घूमने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के बच्चे जितना उनमें पोटेंशियल है अमेरिका के बच्चों को वो रोंदते नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है और रोकना चाहता है दुनिया इस चीज को, इस चीज को। अच्छा जसवंत जी, एक इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि बात सही डॉक्टर जवाहर सुशील ने कहा था कि हम बहुत आसान होता है इतिहास पे हम दोषारोपण कर देते हैं, लेकिन खंगालना तो पड़ेगा। लेकिन क्या क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि आज 75% 75% जो जनता है हमारी गांव में रहती है देश में, तो गांव का जो एजुकेशन है, गांव से ही एजुकेशन असल में मजबूत होना चाहिए। क्या लगता है कि जो ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो जनसंख्या की भी बात हुई, चाइना में भी जनसंख्या है हमसे ज्यादा है लेकिन वो तो डेवलप है, उन्होंने जनसंख्या का सदुपयोग किया। क्या लगता है कि हम कौशल विकास, ये जो टैलेंट वाले जो एजुकेशन है, क्या हम वो गांव में नहीं दे पा रहे हैं या फिर गांव के एजुकेशन को हम अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि आपने जीवन यापन से भी जोड़ा था, बिल्कुल उसमें जुड़ गया। और ऐड करना चाहूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा था कि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, रिसर्च का समावेश होना चाहिए, चाहे वो कौशल में हो चाहे एजुकेशन में। नहीं देखिए, आपने बात रखी है सही बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि हम लोग कहते हैं कि 75% की हमारी आबादी जो है गांव की है, लेकिन मुझे लगता है शहर का बहुत प्रभाव हो गया। जो बच्चा गांव से शहर पढ़ने आता है, वो जब वापस गांव जाता है तो वो गांव की बात नहीं करता, वो शहर की बात करता है। तो लोगों के मन में ये भावना आ गई है कि हम शहर जाएं और शहर में पढ़ें और उसके बाद फिर शहर में आने के बाद पूरी दुनिया में भारत में वो घूमने लगते हैं। काहे के लिए? क्योंकि उन्हें के जीवन यापन की बात होती। ये बात आपने सही कही कि गांव में जो उद्योग लग सकते हैं, लघु उद्योग लग सकते हैं या फिर जिनके माध्यम से पैसा आप कमा सकते हैं। मैं कहता हूं कि आज शहर में एक बड़ाई को खोजना कितना कठिन बिल्कुल, है बिल्कुल। तो और एक इलेक्ट्रीशियन को खोजना कितना कठिन है, फीटर को खोजना कितना कठिन है। तो ये बात है कि हमें गांव के लोगों को जागरूक करना है। लेकिन ये दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे कि चूंकि उसका दोस्त एक बड़ा इंजीनियर बन गया है तो वो बड़ा ही नहीं बनना चाहता। ये एक दिक्कत आ रही, ये जागरूकता तो लानी है। इंसान में स्किल तो अलग होता है और स्किल को पहचानने का सबसे इसके लिए होना चाहिए। मैं डॉक्टर जवाहर जी के पास आना चाहूंगा। अमेरिका का सेट डेट टेस्ट की बहुत चर्चा होती है और मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि प्रतिभा खोज को लेकर इंडिया में भी बहुत कुछ है लेकिन शायद उसको लेकर अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स में, बच्चों में। इसमें पेरेंट्स में अवेयरनेस एक बार बगल रखते हैं अगर तो ये जो सेट जो बनाए, जो टेस्ट बनाए गए हैं सेट वगैरह, उनका प्रारूप अलग है। और मैं इसलिए बोलता हूँ ये कि और हम इस तरफ बढ़ रहे हैं इंडिया में, होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए ले, और इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या हो गया, आप मान लीजिए एक आईएएस अधिकारी बनाना चाहते हैं, उसकी प्रावीण्यता अगर हिस्ट्री में है या ज्योग्राफी में, हम टेस्ट करते हैं हाँ, और वो अगर अच्छा हिस्टोरियन है या हिस्ट्री के बारे में जानकार है तो वो निकाल लेता है परीक्षा हाँ। उसका क्या उपयोग है उसके आगे के स्किल में? कुछ नहीं है। इसके ठीक उल्टा अगर आप कैट की परीक्षा देखें इंडिया में ही, जो आईएएम के अंदर घुसने के लिए बनाया जाता है, बेहतरीन लीडर्स बनाता है और नॉर्मल टेस्ट है, लॉजिक मैथमेटिक्स और इंग्लिश इसकी टेस्ट है और लीडर्स निकालते हैं बेहतरीन। आपको भी तो लीडर चाहिए था यहाँ, तो क्यों हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? कोचिंग के लिए, ज्योग्राफी कोचिंग के लिए। तो हम एक व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं कि 12वीं के बाद सेट की तरह का एक जनरल एग्जाम लें जिससे कि इंजीनियर भी बना जा सके, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कोचिंग वोचिंग का जो चक्कर है वो बहुत दूर हो जाएगा। एक लॉजिस्टिक स्किल पे भी चर्चा बहुत हो रही है, लॉजिस्टिक स्किल भी डेवलप होना चाहिए, होना चाहिए।
ये चीज जो विदेश में बहुत काम हो रहा है। और यही एक एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल यानी ग्रेजुएशन के बाद भी एक कॉमन एग्जाम हो जिससे अलग अलग करियर्स चुने जाए, इस तरफ बात चल रही है। तो मुझे लगता है अगर ये इंडिया में हो जाता है, अगर राज्य इसकी खिलाफत ना करें, क्योंकि कई राज्य इसकी खिलाफत करते हैं, तो बेहतर होगा। तोमर साहब, मैं आपके पास एक बहुत अहम मुद्दे पाना चाहूंगा, जो विषम परिस्थिति है इस देश की, विडम्बना कह ले, अलग अलग राज्यों के अलग अलग बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनके परसेंटेज अलग आते हैं, सीबीएसई के अलग आते हैं, 99 कुछ कुछ समथिंग चला जाता है, आप एडमिशन लेने जाओ तो ऐसे बच्चों को प्रेफरेंस दे दिया जाता है, यूपी और बिहार बोर्ड में अगर 72 बेहतर भी है तो उनका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वहां तो जो कट मार्क्स कट है वो तो अपना ही है। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी विडम्बना है, और वन नेशन वन एग्जाम होना चाहिए, ये बेहतर होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सवाल है इस समय तो जहाँ तक मुझे याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या अन्य यूनिवर्सिटी में मार्क्स बेसिस पे होता नहीं, होता हर यूनिवर्सिटी का होता है, होता है। अच्छा, 99.9% बीएचयू और इलाहाबाद में तो आपको ये देना होगा केरल से 80 स्टूडेंट गए हैं, सबको 95% मार्क्स है दिल्ली में, सबों की 98% मार्क्स है, सबों को दिल्ली में कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। बिहार यूपी के बच्चे अगर जाए वो तो स्पोर्ट्स कोटा में ले पाएंगे एडमिशन, नहीं तो आपको आप इस तरह से आप नहीं जा पाओगे। नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। हाँ। हमको तो याद है, मेरा तो किधर से भी देखने पे 100 नंबर में 3-4 डीयू में पढ़ना चाहता है। हाँ, इसलिए पढ़ना चाहता है कि वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा है, वो आईएएस बन सके और आईपीएस बन सके, और नहीं तो कम से कम कनाट प्लेस में जाके कुछ चोरों को देख के भविष्य में अपने राज्य में। आपको नहीं लगता कि विचार को जो समावेश एजुकेशन में हो रहा है, अपने अपने विचार को जो डाला जा रहा है वो भी वो तो गलत फहमी है ना, कि जो जिस आदमी को एजुकेशन से मतलब जो पढ़ लिया तो बोल दिया जाता है कि वो लेफ्टिस्ट है। नहीं नहीं, जो आदमी के वो एजुकेशन का कुछ आइडिया नहीं है, वो गलती से भी अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री में या मिनिस्टर बन गया या ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर, एक तो आईएएस हम लोगों के भगवान के बाद आईएएस ही होता है, वो ऐसा एक व्यक्ति होता है जो इकोनॉमिक्स भी जानता है, पॉलिटिक्स भी जानता है, स्पोर्ट्स भी जानता है, उससे जो आप करा लीजिए मतलब कि उसके हाथ में सब कुछ है। हाँ, तो और जो एक्सपर्ट है उसके उसके अंडर में कर देते हैं, आईएएस के अंडर में। मैं और बता रहा था कि जिसको एजुकेशन, वो सोचता है जब मैं नया मिनिस्टर बना कुछ तो करना होगा, नहीं तो मेरा नाम कैसे होगा। तो बीए 2 साल का था तो 3 साल कर दो, 10+2+3 तो 10+3+2, ये यही सब एक्सपेरिमेंट ये करते रहेंगे कि कभी लाल कोट पहन, लाल टाई पहनिए, कभी व्हाइट टाई पहनिए, तो कभी गाउन उतारिए, गाउन पहनिए, ये जो जो गाउन पे भी थोड़ा सा बात कर लेना। नहीं, मैं नहीं मानता ये गाउन उतार दो, ये पश्चिमी संस्कृति है। और उन्हें खुद का बेटा अमेरिका में पढ़ता है। हाँ, मतलब ये दोहरा चरित्र है, ऐसा क्यों? इसमें एक त्रुटि सुधार है कि आपने परसेंटेज कहा ना, तो सीयूईटी लग गया है, अब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन एक एंट्रेंस टेस्ट से हो रहा है। सही है, वो होना भी चाहिए। एक चीज और आऊंगा, सर्व शिक्षा, शिक्षा अभियान बहुत अच्छा है, आरटी राइट टू एजुकेशन, वो जमीन पर कितना सक्सेस है आपको ही मालूम है। नहीं नहीं, हम पोस्टर देख लेते हैं, गांव में वालों पे सर्व शिक्षा अभियान भी किया जाता है, कम से कम लीगली तो है ना। नहीं, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने एक परीक्षा की बात करी ना, एक योग्यता के साथ, उसमें जो सिलेबस है वो बराबर होना चाहिए, जो अगर 12th है तो सभी का, तो सभी का एक जैसा होना चाहिए, उसके बाद वो परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक देश एक परीक्षा, बिल्कुल सही है। किसी राज्य में नकल नहीं है तो वहां नकल के पास होगा, अच्छा परसेंटेज लिया है, दूसरे राज्य में अगर नकल नहीं है तो ऐसे भी स्कूल को जानते हैं सर, यहाँ एक हेडमास्टर थे, वो 3 साल तक चोरी होने देते थे, 4th साल चोरी होने नहीं देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे। तो हमने कहा सर ऐसा क्यों आप करते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम है आज से 10 साल के बाद जो इनके लिए चिट बना रहा है ना, वो चिट बनाने वाला भी नहीं मिलेगा, इसलिए एक बैच को ऑनेस्टी से पास करा रहा है, ये 3 बैच जो पास हुआ है उससे कुछ भी कहो कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाता। जी जी, ये है विडम्बना। मैं एक अहम मुद्दे और आना चाहूंगा, इस एजुकेशन सिस्टम से आपको नहीं लगता फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्याएं बहुत होती है, आप देखिए अगर सक्सेस नहीं हुए तो क्या स्थिति बनती है, एग्जाम रिजल्ट जब आते हैं तो हम लोग भी डरे रहते हैं कि कहां किसी स्टूडेंट ने फांसी तो नहीं लगा दिया, इस तरह की स्थिति होती है, ग्रेड अपग्रेड फेल, ये आपको नहीं लगता कि एक जो रेस बना हुआ है भारतीय एजुकेशन, ये चेंज होने की स्थिति में आ गया, मुझे लगता है और
चार पाँच साल लगेंगे जो 2020 पे जो शिक्षा नीति आई है, ये नंबरों से थोड़ा उठ के है, ये आपकी समझ के ऊपर है। असेसमेंट का सिस्टम बदला जा रहा है कि आपकी समझ कितनी है, ना कि आपने किताब से कितना आत्मसात किया है, ये इस पे थोड़ा ज्यादा, इसलिए उसको हॉट क्वेश्चन 30% कर दिया है हर पेपर में बोर्ड एग्जाम में, कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कितने हैं, कि अकबर ने अगर पानीपत की लड़ाई इस सन में लड़ी है उससे महत्व नहीं है, अकबर अगर पानीपत की लड़ाई आप अकबर की जगह होते तो क्या करते कि लड़ाई नहीं लड़ते, ये सवाल है। बहुत बढ़िया, वहां पे उस सिचुएशन में रहते तो क्या करते, तो सोच की शक्ति बढ़ाने पे ज्यादा जोर है ये इस नीति में। लेकिन इसमें चूंकि टीचर हमारा जो है वो सोच नहीं रहा है, बच्चे सोच रहे हैं, तो टीचर की भर्ती तो बैकडोर से हो रही है ना, अब उस पे ना जाए उसमें तो आप देखिए उसमें तो बहुत सारे मानक है, रिजर्वेशन भी उसके लिए है, बहुत जसवंत जी पास ये आना चाहूंगा कि एक मूवी थी मुझे लगा हिचकी सभी ने देखी, बहुत अच्छी मूवी थी, और उसमें किस तरह से गरीब बच्चों को, क्योंकि राइट टू एजुकेशन पे भी चर्चा होनी चाहिए कि इसके ड्रॉबैक भी आके सामने आ रहे हैं कि वो बच्चे जो राइट टू एजुकेशन से एडमिशन ले रहे हैं वो संभ्रांत परिवार के बच्चों के साथ अपने आप को कम्पीट नहीं कर पा रहे, एक उनके सामने हीन भावना भी उनके बीच विकसित हो रही है। जसवंत जी कुछ आप ऐड भी करते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे नहीं, इसमें ये है कि जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है ये तो है कि सामंजस्य स्थापित करने में मुश्किल हो रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन ये जो कोटा सिस्टम जो दिया जा रहा है तो उसके लिए क्यों ना कुछ अलग व्यवस्था भी की जा सकती है, कि कैसे साथ रखा जा रहा है उन लोग को, क्या ऐसा कोई संस्था खोली जाए जो उसी के बराबर की हो, तो कहने का मतलब ये इसमें चेंजेस जरूर। देखिए विचार देखिए कि अभी भी एक मटके में किसी ने पानी पी लिया दलित ने, तो क्या स्थिति बनी थी, वो सब चर्चाओं का विषय, घोड़ा पे उसको घोड़ा पे बेचारा शादी करने जा रहा था, तो ये वो तो आज भी होता है बहुत सारी जगह, ये जो चीजें ये शिक्षा से दूर किया जा सकता है। और शिक्षा मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में आप देखिए कि कोई कौन किस धर्म से कौन किस जात पात से ये नहीं देखा जाता, सबको लगता है कि हमको जीत हासिल करनी है या सामने वाले टीम पे विजय हासिल करना है। अब मुझे लगा प्रकाश जी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, जरूर ये पोर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मंच मंथन कार्यक्रम का थीम यही है कि हम पहले वर्तमान स्थिति और अतीत में जाके भी उसको खंगालते हैं, आज हमने बहुत सारी चर्चा की, लेकिन हम उसके सॉल्यूशन पे भी, उसके क्या निचोड़ हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं उसकी सुधार की, वो एक एपिसोड जरूरी है। बिल्कुल, तोमर साहब से शुरुआत करते हैं। तोमर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले गुरुकुल के जमाने में एक शिक्षक 15 स्टूडेंट्स को वो डील करता था, उसकी फोकस रहती थी 15 पे। क्या लगता है कि ये जो शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात हो गया है, छात्र ज्यादा हो गए हैं शिक्षक कम हो गए, क्या ये भी एक बहुत बड़ा लैक्यूना है? क्योंकि आज एक नॉर्मल क्लास में 30 से ऊपर ही स्टूडेंट है, मतलब 35-40 नॉर्मल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो ओनर है उससे तो पैसा चाहिए, उससे एडमिशन से मतलब है, तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो गया है? बड़ा फैक्टर है, टीचर स्टूडेंट रेशियो, अर्बन रूरल रेशियो, अर्बन की पढ़ाई और रूरल की पढ़ाई, वो एक कॉम्प्लेक्स कर रहा है। बिल्कुल, जो जसवंत जी भी उसमें फोकस कर रहे थे, वो एक ये हो रहा है। इससे हट के मैं और ये कहना चाहूंगा कि जो एक्सपर्ट है उसको इन्वॉल्व कीजिए, आप आईएएस के बल पे ना रहें, हैं जो टीचिंग एक्सपर्ट और पुराने भी कुछ ले आइए, उनके भी विचार हैं। चौथा चीज मैं कह रहा हूं कि तकनीकी का इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिखने में अच्छा लग रहा है टीचर ये कर, आजकल वर्चुअल लाइफ ही नहीं 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 वो ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं समझ भी पा रहे हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, हम देख रहे हैं ना, नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों को, उसका इंपैक्ट आपने जो फैमिली में दिया, क्योंकि क्या माता पिता दादा दादी से कैसा संबंध हो, आज देखिए वृद्धाश्रम खोला, मैं थोड़ा एजुकेशन उसी पे जाना चाहूंगा, आज देखिए जापान और इन चीजों में मॉरल एजुकेशन की वजह से ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ पर ये समझा जाता है कि आपको अपने दादा दादी से कैसा बिहेव करना है, माता पिता से कैसा बिहेव करना है, तो ये तो होना चाहिए, जो पौध जहाँ से सिंचित हो रहा है वहां पे अगर बढ़िया उसको खाद बीज मिले तो बेहतर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये है, लेकिन देखिए वृद्धाश्रम चाहे ये है, डायरेक्ट स्कूल का उससे कुछ भी एजुकेशन से हर चीज रिलेटेड, क्योंकि आज बच्चा होता है बोल दिया जाता है ये लड़की हुई तो डॉक्टर, लड़का हुआ तो इंजीनियर,
तो बात थ्री इडियट्स में हम सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन मेरे ख्याल से उसको असर है। सॉल्यूशन ये होगा कि एक्सपर्ट को आप ले आइए, उनसे ये पुराने एजुकेशन कैबिनेट की बैठक बुला लीजिए। एजुकेशन कैबिनेट नहीं, एजुकेशन एक्सपर्ट और कुछ पुराने टीचर्स को बुलाइए, उनको बहुत ज्यादा इस चीज शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और देखिए कोई भी प्लानिंग ज्यादातर अच्छे ही रहते हैं, दिक्कत होती है एक्सक्यूशन में। अगर आपका प्लान बहुत सुंदर बन जाए और उसको आप एक्सक्यूट नहीं कर पाएंगे तो मान लीजिए कि वो फ्लॉप होगा। जी जी जवाहर जी, सोल्यूशन मुझे मुख्य तौर पे दो तीन चीज मैं इसमें ऐड करूंगा। मुझे याद है मैंने इसके पहले भी जिक्र किया है कि एक स्कूल के इनॉग्रेशन में मैं भी उपस्थित था जहाँ ये चीफ गेस्ट थे। आपने जापान का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था कि वहाँ ऐसा किया जाना चाहिए या कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट कि यूपीएससी के लेवल के टीचर्स की भर्ती प्राइमरी एजुकेशन में हो, तो उसमें भी आप तो पहला सोल्यूशन उसी पे मैं आ रहा था कि टीचर की व्यवस्था में बहुत ज्यादा रुझान नहीं है लोगों का करियर में, वो लास्ट है। तो सेंट्रल जुडिशियल सर्विस जैसा है उस तरह से सेंट्रल टीचिंग सर्विस एक बनाना जरूरी है, कुछ कंट्रीज में चलता है। बिल्कुल। तो टीचर को अगर आप आईएएस के लेवल पे अगर आप देखें कि टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है तो वो एक व्यवस्था बन सकती है जिससे थोड़ा रुतबा बढ़ेगा उसमें लोगों को जाने का, एक्सपर्ट्स को। दूसरा मुझे लगता है कि जैसा भारत टुकड़ों में बटा हुआ है तो उसको एकीकृत करने के लिए वो सिंगल एग्जाम सिंगल सिलेबस ये चीज़ें। और तीसरा इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे हमको लग रहा था कि इंडिया अपने आप में इतना बड़ा देश है कि 10 देशों के बराबर है, तो इम्प्लीमेंटेशन में चूंकि जैसे पॉलिसी बनी तो फिर स्टेट उसी पॉलिसी के अंदर अपनी पॉलिसी बनाता है, वो अलग हो सकता है। मैं इसमें रिजर्वेशन अलग लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा। तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, गवर्नमेंट स्कूल आजू बाजू के 5 के पास कम है, तो मेरे प्लेग्राउंड यूज करने दो, मैं टैक्स दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू टैक्स। बिल्कुल। तो मुझे टैक्स अगर देना नहीं है, फोकट में मैं पूरा आमदनी ले रहा हूँ, तो मैं क्यों ना 4-5 स्कूलों को गोद लूं और उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैबोरेटरीज इन चीजों का मजे, या इंग्लिश टीचर भी दूं उसको सैटरडे को, वो पढ़ाएगा जाके उधर, टीचरों की कमी भी ठीक हो जाएगी। जसवंत जी, और इसमें मुझे लगता है कि एजुकेशन में और बढ़ाने के लिए एक तो सिलेबस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए शुरू से, और दूसरा यह है कि सभी तबकों को बराबर एक दृष्टिकोण के साथ लेकर चलना चाहिए। और जहाँ तक आर्थिक लाभ की बात है तो वो जो विद्यार्थी अगर कमजोर आर्थिक स्थिति का भी है तो उसको भी मिलना चाहिए बराबर पढ़ने के लिए, उसको भी चांस होना चाहिए। और मातृभाषा जो है आपकी, उसमें अगर आप कंसंट्रेट करते हैं पढ़ाई को अपना, तो मेरे ख्याल से ज्यादा भाषा का ज्ञान तो जितना हो उतना बेहतर है, मुझे तो ये लगता है। और भाषा ठीक है, पहले तो आपको मातृभाषा में एजुकेशन हो, फिर आप आगे बढ़ते जाए तो आप अन्य भाषाएं भी सीखे तो उस और भी बेहतरी होगा। और मुझे लगता है कि इसमें हमने बहुत चर्चा की पढ़ाई और मंच मंथन के कार्यक्रम में ऐसे हम चर्चा करते रहेंगे। शिक्षा पर हमने समग्र रूप से चर्चा करने की कोशिश की, कुछ छूट तो नहीं गया तुम्हारे साथ? नहीं, हमने कहा जैसे कि नहीं, मुझे लगता है कि जो आपने एक बात कही थी कुछ लोग घातक रूप अपना लेते हैं, तो वो माँ बाप का प्रेशर इतना बच्चों पे होता है कि हमें ये बनना है हमें ये बनना है। कई बार क्या होता है जब बच्चे जाते हैं तो उन घर की जैसी सुविधा वहां नहीं मिलती, खान पान नहीं मिलता। आप देखिए ये सारी चीज मैं आपको बता दूं, सुसाइड का एक एरिया है, आप देखिएगा 90% सुसाइड होता है। तो कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट, और सीधे चले आइए एजुकेशन संबंधित। हाँ, एजुकेशन संबंधित ठीक है। उसके बाद बंगाल कर लेंगे कभी की चर्चा, साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि रामायण काल हो चाहे उसके बाद के जितने भी काल हो, हमने देखा है कि जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे वो भी वेशभूषा जो ऋषि वेशभूषा में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो सुविधा उनको उतनी मिलती नहीं। नहीं गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जसवंत जी ने जो कुछ बातें लास्ट में प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए माँ बाप को भी, बिल्कुल स्टैंडर्ड वो बात की बात नहीं। मुझे जैसे इंग्लैंड में गुरुकुल की शुरुआत हो रही है, ऐसे
ऐसा नहीं लगता आपको कि क्योंकि आपने बहुत से प्रश्न पूछे हम सबसे, अब मुझे लगता है कि आपका भी एक व्यू आना चाहिए क्या मॉरल एजुकेशन ही क्या काफी मायने रखता है और योगा होगा को उसको आपको क्या लगता है कि गुरुकुल में ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं पूछने वाला हूं और यहां पे अगर अगर गुरुकुल में इतना शिक्षा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं अगर अगर गुरुकुल का सिस्टम वापस लाया जाए इंडियन पॉलिसी में आज की पॉलिसी के साथ इन्वॉल्व करके तो क्या लगता है डॉक्टर साहब एक नया रूपरेखा तैयार नहीं होगा? ये थ्योरेटिकली सही लग रहा है लेकिन वो गुरु नहीं है, वो गुरु सबसे बड़ा अहम बात हो, बहुत सारी अहम बात आ गए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जसवंत जी आपका, डॉक्टर जवाहर जी आपका, अशोक तोमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधारण इस पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक स्टूडियो, थैंक यू।